हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें। सबसे ज्यादा संक्षिप्त न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नगर निकाय की मतगणना और 400 कर्मचारी लगाए गए हैं। गणना और 68 टेबल लगाए जाएंगे। प्रत्येक टेबल पर 5 कर्मचारी लगाए जाएंगे। मंगलवार को कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। नगर निकाय चुनाव के बाद प्रशासन मतगणना की तैयारी शुरू कर दिया है। निकाय चुनाव की मतगणना और आरक्षित समेत 400 कर्मचारी व अधिकारी लगाए गए हैं। नगर पालिका और नगर पंचायत कादीपुर, दोस्तपुर व कोयरीपुर की गणना के लिए अलग टेबल लगाए जाएंगे। नगर पालिका की गणना के लिए 50 टेबल इस और 25 अध्यक्ष व 25 सदस्य के टेबल होंगे। पालिका की गणना गणपत सहाय पीजी कॉलेज पयागीपुर और होगी। नगर पंचायत कादीपुर की गणना ब्लॉक कादीपुर और होगी। यहां अध्यक्ष के लिए 3 व सदस्य के 3 टेबल लगाए जाएंगे। दोस्तपुर नगर पंचायत की गणना और अध्यक्ष के 4 व सभासद के 4 टेबल लगाए जाएंगे। इसी तरह कोयरीपुर की मतगणना और अध्यक्ष के 2 और सदस्य के 2 टेबल लगाए जाएंगे। इस तरीके से नगर पालिका और तीनों नगर पंचायतों और गणना के लिए 68 टेबल लगाए जाएंगे। गणना की 12 टीम आरक्षित रहेगी। आरक्षित टीमों का बंटवारा किया गया है। गणना के बनाई गई टीम और 5 लोग शामिल होंगे। मुख्य विकास अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी कार्मी क्रामिया जयमिश्र ने बताया कि गणना टीम और 1 सुपरवाइजर और 4 गणना सहायक होंगे। टीम और 1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को रखा गया है। अधिकारियों को सुपरवाइजर बनाया गया है। बताया कि मंगलवार को पम राम नरेश त्रिपाठी सभागार और गणना टीम को प्रशिक्षण दिया जाएगा। नगर पालिका की गणना के लिए 50 टेबल इस और 25 अध्यक्ष व 25 सदस्य के टेबल होंगे। पालिका की गणना गणपत सहाय पीजी कॉलेज पयागीपुर और होगी। नगर पंचायत कादीपुर की गणना ब्लॉक कादीपुर और होगी। यहां अध्यक्ष के लिए 3 व सदस्य के 3 टेबल लगाए जाएंगे। दोस्तपुर नगर पंचायत की गणना और अध्यक्ष के 4 व सभासद के 4 टेबल लगाए जाएंगे। इसी तरह कोयरीपुर की मतगणना और अध्यक्ष के 2 और सदस्य के 2 टेबल लगाए जाएंगे। इस तरीके से नगर पालिका और तीनों नगर पंचायतों और गणना के लिए 68 टेबल लगाए जाएंगे। गणना की 12 टीम आरक्षित रहेगी। आरक्षित टीमों का बंटवारा किया गया है। गणना के बनाई गई टीम और 5 लोग शामिल होंगे। मुख्य विकास अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी कार्मी क्रामिया जयमिश्र ने बताया कि गणना टीम और 1 सुपरवाइजर और 4 गणना सहायक होंगे। टीम और 1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को रखा गया है। अधिकारियों को सुपरवाइजर बनाया गया है। बताया कि मंगलवार को पम राम नरेश त्रिपाठी सभागार और गणना टीम को प्रशिक्षण दिया जाएगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। हमें कमेंट्स के जरिए बताइए कि वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।